दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचू द्रियो और क्लियोपेट्रा का खजाना। तो पढ़ते हैं कॉमेडी कॉमिक्स को। क्लियोपेट्रा का खजाना। शॉर्टपुट का नजारा देखें, श्रॉट दप। अब सोच ये ज्यादा दूर नहीं गया, तुम सेख ही बता रहे हो, जरा इसे फेंक कर दिखाओ। हु हुब्बा श्रॉट, गोला उस खंडर में जा गिरा। यह रे आवाज मेरी उम्मीद से ज्यादा दूर गिरा। यह मुखौटा किसका है? यह सदियों पुराना लगता है। मुखौटे को चाचा चौधरी के पास ले जाना चाहिए। तुम एक नकारा हसबैंड साबित हुए हो। न कभी तुमने मुझे कोई कपड़ा खरीद कर दिया, न जेवर। मेरी सारी जिंदगी किचन में खाना बनाते गुजरी। तुम कभी भी छुट्टियां मनाने मुझे हिल स्टेशन नहीं ले गए। दूसरे हस्बैंड अपने बीवियों की कितनी इज्जत करते हैं। बिनी तुम इतना बोलती हो, सिर में दर्द हो जाएगा। सिर में दर्द? मेरे नहीं, मेरे। हा 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 चाचा जी देखे मुझे क्या मिला। यह आधा मुकुटा रानी क्लियोपेट्रा के खजाने की ओर इशारा करता है। मुकुट पर प्राकृतिक भाषा में उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता लिखा है। तो फिर चलो देखते हैं वहां हमारे लिए क्या है। जाकर जंक मेल को बताना चाहिए। जंक मेल शॉर्ट क्या खबर है? जंक चाचो देखो, टूटा मुखौटा मिला है जिस पर क्वीन क्लियोपेट्रा के खजाने का नक्शा बना है। शॉर्ट अब वह सारी दौलत हमारी होगी। यहां से आगे जंगल रास्ता पैदल तय करना होगा। क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? जंगली आगे। चाचा जी बचाओ, साबु होशियारी से। इनके हथियारों पर घातक जहर लगा होता है जो एक हाथी को मारने में सक्षम है। श्रॉट धप कड़ाक, मकोड़े चल हट। यह गया तुम्हारा भाला। मोड़ दिया, वह भाग रहे हैं। आगे बढ़े चाचा जी, मुझे दुशवार पहाड़ी नजर आ रही है। रॉकेट आगे निकल गया। हल्की चीज जल्दी ऊपर पहुंचती है। वो उसका पैर फिसला। मैं रॉकेट को थामने में कामयाब रहा। वो जिस पत्थर के सहारे में लटका था उसने अपनी जगह छोड़ी। गिर गए दोनों। इस नुक्कड़ ने मुझे गिरने से रोक लिया। यहाँ का दृश्य कितना सुहावना है। इस मुखौटे पर जो लिखा है वह आगे विशाल मैदानी इलाका होने की ओर इशारा करता है। उतरते उतरते वक्त ज्यादा सावधानी की जरूरत है। रॉकेट को मैदानी इलाका ज्यादा भाया है। लो चाचा जी फल खाओ, रॉकेट को सेब अच्छे लगे हैं। आगे नदी है, हमें यह रास्ता तय करना होगा। बहुत तेज होता जा रहा है, पता नहीं यह पानी हमें कहाँ ले जाए। हम बहुत नीचे जा रहे हैं चाचा जी, संभलो। ओह, मेरी कैब बह गई पर मेरी पगड़ी बच गई। गरुड़, इसे जल्दी रोकना चाहिए, अब जान बचाने की नौबत आ गई। उसका मुंह बंद करने में मैं कामयाब हुआ। ओह हाँ, मगरमच्छ साबु को पानी के अंदर ले गया। अगर अंदर मगरमच्छ की ताकत बढ़ जाती है। वह मुझे गहराई में ले जा रहा है, इससे पहले मुझे इसका गला घोट देना चाहिए। मगर मगरमच्छ ऊपर आ गया है साबु, मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। ओह शुक्र है, यह मर चुका है। चाचा जी वह मुखौटा आगे क्या बताता है? यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें डबल ट्री मिलेगा। हमें उसके झुकाव की तरफ जाना है। डबल ट्री, कितना अजीबोगरीब है वह। वृक्ष दक्षिण दक्षिण की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। चाचा जी आपको सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया। इसी सवारी के लिए मुझे जंप मारनी होगी। आगे बढ़े, घोड़ा मिलने से थकावट नहीं होगी साबु। तुम मुझे चलना पसंद है, तुम्हारी यात्रा खत्म हुई। अगर जीना चाहते हो तो मुखौटा जंक मेल को दे दो। ठीक है ले। ओहो, मरने से सब डरते हैं। चाचा जी नहीं, इस पर क्या लिखा है मुझे पढ़ा नहीं जाता। तभी बचपन बचपन में माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ो लिखो, उस पर प्राकृतिक भाषा में लिखा है। मुखौटे की आंख में उंगली देकर देखो। मैंने उसकी आंख उंगली से दबाई। हा 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 चौधरी, ओह बौछार बेवकूफ, अगर किसी की आंख में उंगली दोगे तो क्या उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? चाचू दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मुखौटा अपने कब्जे में, साबु आगे बढ़ो। कोई लेगा नहीं वरना भेजा उड़ा दूंगा। मुखौटा इधर दो। ओह चाचा जी खतरे में। ओह जंप,
शाबाश रॉकेट, किल देम और मुखौटा छीन लो, रेड रेड रेड। फायरिंग क्यों बंद करती? मैगजीन खत्म हो गई है। जब साबु को गुस्सा आता तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। प्रॉम ड्रॉप आउ गड़ गड़। आह, यहां से मैं पूर्व की तरफ जाना है। रॉकेट बचाओ, वह सूखे कुएं में गिर गया। मुखेटे पर इसका जिक्र है, हमें भी कूदना है। वो हुब्बा दब, वह मूर्ति कमीन क्लियोपेट्रा की लगती है और यह पार्ट उसी का हिस्सा है। साबु, इसे मूर्ति के साथ जोड़ दो। वाह, एकदम फिट, आश्चर्य है। उस स्टेचू का चेहरा लगाते ही वह दरवाजा खुल गया। वहां खजाना है, हीरे जवाहरात। रॉकेट की आवाज, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वह उन लोगों की खोपड़ियां हैं जो खजाने की खोज में आए और मारे गए। आज उन खोपड़ियों के ढेर में दो और शामिल हो जाएंगी। छटाक किल, देखना किसी खोपड़ी ढेर में शामिल होती है। साबु, पकड़ नहीं छोड़ना। धड़ाक, चाचा जी चलिए खजाने के कमरे में। यह जेवरात कितने होंगे? यह बेशकीमती है, इन्हें अरबों रुपए में आका जाना चाहिए। गड़ 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 गड़। साबु भूचाल भागो। ओह, अंधेरे कुएं के ऊपर चढ़ो। शुक्र है खुली हवा में सांस ली। चाचा जी, पता है मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या? डायमंड। उस खजाने में एक तुम्हारे हाथ लग गया। इस डायमंड की कीमत 50 करोड़ से ऊपर है। चाचा जी सुनते बेहोश हो गए। लेने के देने, बिन आज नाश्ते में हलवा बनाओ। नहीं बन सकता, घी खत्म है। मैं नहाकर घी ले आऊंगा। मैं वह लेकर आता हूं, तुम बाकी सामग्री तैयार करो। उस स्टोर पर घी का टिन मिल जाएगा, कनस्तर भारी है। डाल्डो चौधरी का घी हथियाना है, हो जाएगा। चाचा जी आप थक गए होंगे, मेरे घर उकर रेस्ट कर लीजिए। आइए कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। घी का टिन भारी छोड़ दो, यहाँ पर कोई खतरा नहीं। बस 5 मिनट इंतजार करो, इलायची वाली चाय तैयार है। सौदी चाय पीने में बिजी है, यह टीन लेकर रफू चक्कर हो जाता हूँ। वो, ये आपका वहम है। बाहर कुछ गड़बड़ है, मेरा कुत्ता मुझे सचेत कर रहा है। आपका वहम है ये? तो तुम मेरा घी का टीन लेकर भाग रहे हो? वो, नहीं, आप थके हुए हैं इसलिए मेरा हस्बैंड आपकी हेल्प करना चाहता है। हाँ, मैंने टीन आपके घर पहुंचाने के लिए उठाया है, तो फिर आओ मेरे पीछे। जल्दी कदम बढ़ाओ, मुझे भूख लगी है। बिनी घी आ गया। मदद के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। वह मुफ्त में चाय पी गया और मुझे कुलीगिरी भी करनी पड़ी। लेने के देने पड़ गए। परफ्यूम, छुट्टी के दिन भी इस अखबार से चिपके रहते हो, मेरे साथ गपशप क्यों नहीं करते? बिनी, मुझे भूख लगी है, खाना खाकर बातें करेंगे। ठीक है, खाना बनने में टाइम लगेगा, इंतजार करो, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। कुछ देर बाद, वाह, तुम खाना खाना स्वादिष्ट बनाती हो, पेट भर गया। आओ बैठकर गप्पे लगाएं। याद आया मुझे इंटरनेट से काम निपटाना है, कुछ जरूरी ईमेल भेजनी है। वह मेल सेंड कर दिया। इस घर में मैं नौकरानी बनकर रह गई हूँ, मैं मायके जा रही हूँ। लीरा, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह पुरुषों को आकर्षित करने वाला परफ्यूम है, इसे मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। आह, सुहानी खुशबू है, सारा उंडेलू पति दीवाना हो जाएगा। वाह, क्या मादक खुशबू है, तुम्हारी खुशबू मुझे आकर्षित कर रही है। यह परफ्यूम बेकाबू कर रहा है। लीरा का परफ्यूम असरदार है, उन पर भी परफ्यूम असर कर रहा है। आंसू आंसू, क्या हुआ? आंसू आंसू, तो तुम्हें पता नहीं मुझे सेंट से एलर्जी है। आंसू, तुम्हारा इलाज है मेरे पास। नाक बांध दी। तो दोस्तों, कॉमिक्स तो जल्दी ही खत्म होती चली गई, ये समाप्त हुई कॉमिक्स। तो अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। इसके कितने पेज हैं इसके? हाँ, 39 पेज हैं, तो पता ही नहीं चला कब खत्म होगी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।